सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्लेस्टेशन के बारे में, जो पूरे गेमिंग कंसोल्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सर कैसा है आप? हकीम सर, हेलो। तो सर ये आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे गेमिंग कंसोल्स के बारे में देखने वाले, प्लेस्टेशन, एक्सबॉक्स सब कुछ हम लोग ये वीडियो में कवर करने वाले। पर सर जी मुझे आप पहले बताइए कि आपका ये जो शॉप है, ये गेम्स बाबा आता किधर है? ये जो गेम्स बाबा हमारा शॉप है, ये मुंबई कुडला वेस्ट में लोकेटेड है। मैं इस कंपनी का फाउंडर और ओनर हूँ। हम कुडला वेस्ट में रिसाइड करते हैं। हमारा लाइव लोकेशन भी गूगल में अपडेट किया है, जिससे आप आसानी से हमारे स्टोर पे पहुंच सकते हो। ओके सर, और जो आपका लाइव लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस अभी चालू करते हैं प्लेस्टेशन के बारे में। तो सर जी प्लेस्टेशन का भी मार्केट मुझे ये बताओ कि कैसा चल रहा है, क्योंकि कैसा है ग्राफिक कार्ड का जो शॉर्टेज है, ग्राफिक कार्ड का प्राइस बहुत बढ़ रहा है आज के कारण, तो लोग स्विच कर रहे हैं कंसोल गेमिंग पे। ये जो सोनी का प्लेस्टेशन है, ये एक न्यू लॉन्च्ड नेक्स्ट जनरेशन कंसोल है। ये ऑफिशियली इंडिया में फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ था। ये जब से हम गेम्स बाबा जो है हमारे कस्टमर्स को हम केटर कर रहे हैं। ये जो PS5 है, ये टू वेरिएंट्स में अवेलेबल है। एक है ये डिस्क वर्जन, जो ये नीचे है, नीचे वाला जो है ये डिस्क वर्जन है, और ये जो ऊपर रखा हुआ है ये डिजिटल वर्जन है। ये दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है, सिर्फ डिजिटल वर्जन में आप को गेम ऑनलाइन डाउनलोड करना है, और जो डिस्क में आप फिजिकल डिस्क डाल के खेल सकते हो। मैं आपको इसके और फीचर्स बताना चाहूंगा। जैसे कि ये इंडियन वारंटी कंसोल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये विथ 1 ईयर वारंटी आता है। इसके जो स्पेसिफिकेशन है, ये 4K 120 FPS पे चलता है, इवन केपेबल ऑफ 8K। अगर आपका टीवी 8K सपोर्ट करता है तो ये आपको 8K ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा। इसकी जो कैपेसिटी है, ये 825 GB SSD है, जो कि सबसे फास्ट लोडिंग माना जाता है। इसका जो ग्राफिक्स है, ये AMD का RDNA 2 GPU ग्राफिक कार्ड इसमें इंस्टॉल्ड है। तो सर जी मुझे एक चीज बताना कि ये जो अभी PS5 चल रहे, PS5 की अभी जो इंडिया में तो बहुत सारी शॉर्टेज चल रही है, आपके पास इसके कितने यूनिट्स अवेलेबल रहेंगे अभी के टाइम पे? फिलहाल तो हमारे पास ये 8-10 यूनिट्स फिलहाल करंटली अवेलेबल है। जैसे कि ये बहुत हाई डिमांडिंग कंसोल है, तो ये ज्यादा करके शॉर्टेज ही रहता है। और गाइस मैं बता दूं, हकीम सर और गेम्स बाबा सोनी के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे मुंबई में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गए प्लेस्टेशन के बारे में सर। तो प्लेस्टेशन के और भी गेम पैड आता है, रिमोट्स आते हैं, वेबकैम्स आते हैं, PS5 के सारे एक्सेसरीज अवेलेबल है। जैसे कि हम जो है PS5 आपको एक कॉम्बो बना के भी दे सकते हैं, जिसमें हम आपसे PS5 और दूसरे सारे एक्सेसरीज इंक्लूड करके हम आपको इसका बंडल पैक भी बना के दे सकते हैं, जिसका एक एवरेज प्राइस होता है अराउंड 75-80,000, जिसके अंदर दूसरी एक्सेसरीज भी इंक्लूड होती है। अगर आपको स्टैंड अलोन कंसोल भी चाहिए, तो आप हमें स्टैंड अलोन कंसोल के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और हम आपको बेस्ट प्राइस दे सकते हैं। तो सर मैं देख रहा हूँ आपके पास कंट्रोलर्स भी अवेलेबल है PS5 के, आपके पास 3 कलर्स में अवेलेबल है, तो ये कंट्रोलर्स के बारे में हमें जरा बताइए। ये ड्यूअल सेंस कंट्रोलर हमारे पास 3 कलर्स में अवेलेबल है, जो के है कॉस्मिक रेड, ब्लैक और स्टैंडर्ड वाइट। ये न्यूली लॉन्च्ड कलर्स है, जो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। और इसके साथ में ये जो रेड कलर है, ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा इंक्वायरी करते हैं। ये तीनों कंट्रोलर जो 3 कलर है हमारे पास, इसके सारे स्पेसिफिकेशन सेम ही है, सिर्फ कलर डिफरेंस है। जैसे कि मैं आपको अगर इसके स्पेसिफिकेशंस बताऊं, तो ये हैप्टिक फीडबैक 2, जो कि सबसे ज्यादा फिजिकली रिस्पांस फीडबैक के लिए ये कंट्रोलर माना जाता है। इसके ट्रिगर्स ऐसे हैं, जैसे कि आप एक कोई प्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो, जो PS5 का जो स्टैंडर्ड कंट्रोलर है, उसके ट्रिगर्स आपको एक प्रोफेशनल कंट्रोलर के जैसा फील देंगे। इसके अंदर बिल्ट इन माइक्रोफोन्स है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, आप किसी भी फ्रेंड से या कोई भी गेम प्लेयर से आप इजिली चैट कर सकते हो। इसमें जो है टाइप सी USB लगता है, 8 आवर्स कंटिन्यू आप इसको खेल सकते हो। ओके, विद 1 सिंगल बैटरी। ओके सर, तो मुझे एक चीज बताना, ये जो प्राइस है ये कंट्रोलर्स के, ओनली कंट्रोलर्स के क्या रेंज आता है प्राइस का? कंट्रोलर्स जो है वो 5,500 से लेके 6,500 की MRP पे अवेलेबल है। ये जो स्टैंडर्ड वाइट कंट्रोलर है, इसके साथ में NBA गेम का डिजिटल कोड अवेलेबल है, और इसकी MRP है 5,990। Okay. तो हमारे पास 3 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5,990 to 6,500। अभी मैं देख रहा हूँ सर आपके पास डुअल चार्जिंग स्टेशन है, जो हमारे कंट्रोलर्स को चार्ज करते हैं। Yes. तो इसका क्या रेंज है? ये जो डुअल चार्जिंग स्टेशन है, इसमें आप 2 DualSense कंट्रोलर एक साथ में चार्ज कर सकते हो।
ये एक एक्सटर्नल एक्सेसरी है PS5 की, जो इसका कॉस्ट है अराउंड 4000 रुपीज। और सर मैं देख रहा हूँ आपके पास वेबकैम भी अवेलेबल है PS5 का, तो उसका क्या रेंज आ रहा है? ये जो PS5 का HD कैमरा है जो 1080p सपोर्ट करता है, इसकी MRP है 5190। ये हमारे पास एक यूनिक PS5 स्टैंड है जिसके अंदर आप आपके सारे PS5 कंसोल, आपकी सारी गेम्स और कंट्रोलर्स, एक्सेसरीज, आप जो के पूरा ऑल इन वन स्टैंड में आप सारा कुछ रख सकते हो। और ये जो स्टैंड है हमारे पास, ये अराउंड 3500 के रेंज में हमारे पास अवेलेबल है। ये ऑफिशियली सोनी PS5 का स्टैंड नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी का स्टैंड है जो PS5 के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। ओके और सर जो मेन हमारे हेडसेट पे आते हैं अभी, जो PS5 के हेडसेट है आपके पास जो भी अवेलेबल है, जो है Pulse 3D के, तो इसके क्या रेंज है सर? PS5 में सर ये सिर्फ एक ही हेडसेट है, PS5 का ऑफिशियल हेडसेट है ये, और ये सिर्फ PS5 से ही कंपेटेबल है। इसका जो एक्सपीरियंस है, जो रियल एक्सपीरियंस है, वो आपको PS5 के साथ ही मिलेगा। क्या रेंज है सर इसका? सर ये जो है ये आपको 8500 तक हमारे पास मिल सकता है। ओके और सर मैं देख रहा हूँ आपने जो CDs है, सारे गेम्स के CDs भी आपके पास अवेलेबल है, A to Z में बोल सकता हूँ जो PS5 कंपेटेबल CDs है वो भी अवेलेबल है। तो एक रेंज बता दीजिए मुझे कि सारे CDs का क्या रेंज से स्टार्ट होते हैं? ये जो PS5 के सॉफ्टवेयर है, ये हमारे पास आपको 1999 से लेके 4999 तक मिलेंगे। हर गेमिंग टाइटल के प्राइजेस अलग होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की गेम आप ढूंढ रहे हो। तो वो हमारे पास आपको 1999 से लेके 4999 तक के रेंज में आपको सारी गेम्स मिल जाएगी। ओके और गाइस मैं बता दूं, सर के पास सारे गेम्स अवेलेबल है, जैसे कि एलन वेक और मॉर्टल कॉम्बैट और स्पाइडरमैन, टेनिस 2, फीफा 22, ये सारे बड़े बड़े जो गेम्स है PS5 टाइटल्स के, ये सारे गेम्स अवेलेबल है। ओके तो सर अभी हम लोग आते हैं PS4 के बारे में। PS4 में देखते हैं कि आपके पास क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है। मैंने सुना है कि आपके पास कलेक्टर्स एडिशन जो बहुत रेयर है इंडिया में मिलना, वो भी आपके पास अवेलेबल है, तो चालू करते हैं अभी। हमारे पास PS4 में दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, PS4 प्रो और PS4 स्लिम। दोनों का स्टोरेज कैपेसिटी 1 TB है, बट PS4 प्रो जो है वो आपको 4K एंटरटेनमेंट देता है। ये दोनों इंडियन वारंटी कंसोल है। अगेन PS4 प्रो जो है ये स्टैंड अलोन कंसोल है, इसके साथ में आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी या कोई गेम्स फ्री नहीं मिलेगी। पर PS4 स्लिम जो है ये मेगा पैक बंडल है, जिसके साथ आपको 3 गेम्स फ्री मिलेगी, 1 ईयर का इंडियन वारंटी मिलेगा, 3 मंथ्स का मेंबरशिप मिलेगा और 1 TB PS4 स्लिम कंसोल मिलेगा। दोनों कंसोल में 1 TB स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है। इसमें 500 GB भी वेरिएंट आता था, बट वो अभी फिलहाल डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अभी मार्केट में जो अवेलेबल है वो आपको 1 TB ही अवेलेबल है। ओके तो सर ये जो नॉर्मल वेरिएंट है PS4 के, PS4 प्रो और PS4 स्लिम का, उनका क्या रेंज रहेगा अभी के टाइम पे? PS4 प्रो जो है वो आपको अराउंड 37,000 तक अवेलेबल मिल जाएगा हमारे पास, और PS4 स्लिम जो है वो आपको 29,990 में हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगा। तो सर अभी आते हैं कलेक्टर्स एडिशन के ऊपर। कलेक्टर्स एडिशन में मैं देख रहा हूँ आपके पास 2 बड़े कलेक्टर्स एडिशन है, एक ड्रैगन बॉल जी और एक लास्ट ऑफ अस का कलेक्शन एडिशन आपके पास अवेलेबल है, तो इनके क्या रेंज और इनकी अवेलेबिलिटी का क्या मार्केट में है? Yes, इंडिया में कलेक्टर्स एडिशन के लिए हमको सबसे ज्यादा जाना जाता है, हमारा स्पेशलाइजेशन भी सबसे ज्यादा कलेक्टर्स एडिशन और कलेक्टेबल्स में है। ओके तो सर मुझे एक चीज बताओ कि देखो मेरे को तो जितना मालूम है कि कलेक्टर्स एडिशन का प्राइस नॉर्मल PS4 से जरा ज्यादा रहता है, तो क्या रेंज है सर कलेक्टर्स एडिशन का? जैसे कि ये जो है ये कलेक्टेबल्स में आता है, और जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास 2 कलेक्टर्स एडिशन अभी सामने रखे हुए हैं। एक ये है ड्रैगन बॉल जेड कैकोराट कलेक्टर्स एडिशन, और ये है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। ये जो कलेक्टर्स एडिशन है थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और इसके जो प्राइस रेंज है ये अराउंड 11,000 का कलेक्टर्स एडिशन है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का, और ये जो ड्रैगन बॉल जेड कैकोराट आप देख रहे हो इसका प्राइस है अराउंड 17,000। तो सर अभी आते हैं पेरिफेरल्स के ऊपर। PS4 में मैं देख रहा हूँ सर आपके पास PS4 के कंट्रोलर्स, जो ड्यूअल शॉक कंट्रोलर्स वो भी अवेलेबल है, कैमरास अवेलेबल है और चार्जिंग डेक्स अवेलेबल है। पहले आते हैं हम लोग PS4 के कंट्रोलर्स के ऊपर। आपके पास 2 वैरायटीज 2 कलर्स में अवेलेबल है ड्यूअल शॉक? फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये 2 ही कलर्स में अवेलेबल है, बट इसमें दूसरे और कलर्स के ऑप्शन आते हैं, बट हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक होने के कारण अभी आपके सामने सिर्फ 2 ही कंट्रोलर्स अवेलेबल है। एक है स्टैंडर्ड ब्लैक कलर
और दूसरा है ग्रीन कैमोफ्लेज। तो एक क्या रेंज है सर ये दोनों के? सर इसके MRP है 5050। तो सर अभी आते हैं मूव कंट्रोलर के ऊपर, तो मूव कंट्रोलर के बारे में हमें बताइए कि क्या इनका स्पेसिफिकेशन है। जैसे कि आप देख रहे हो ये मूव कंट्रोलर जो है ये PS4 में VR कंपेटेबल है। जो लोगों को PS4 में VR एक्सपीरियंस करना है वो उसका एक अलग VR सेट आता है जो वो खरीदना पड़ता है। उसके साथ में ये जो मूव कंट्रोलर है ये कंपेटेबल है मोशन गेमिंग के लिए। और उसके अलावा हमारे पास ये DualShock बैक बटन अटैचमेंट्स है। ये बैक बटन अटैचमेंट्स जो है ये PS4 DualShock कंट्रोलर के पीछे लगते हैं, जो कि आपको एक बेटर ट्रिगर बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये लोग एक्सटर्नल एक्सेसरी जो है PS4 DualShock कंट्रोलर के लिए यूज करते हैं। और हमारे पास PS4 का चार्जिंग स्टेशन भी अवेलेबल है, इसमें आप दो PS4 के कंट्रोलर एक साथ में चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास PS4 का कैमरा भी अवेलेबल है। ये जो कैमरा है ये लाइव गेमिंग के लिए यूज होता है। इसका जो ग्राफिक्स है वो 720p पिक्सल देता है। तो ये जो कैमरा है ये जो मूव कंट्रोलर है ये बेसिकली VR के लिए यूज होता है और लाइव गेमिंग के लिए भी यूज होता है। ओके, तो अभी आते हैं इसके रेंज के ऊपर। तो ये मूव कंट्रोलर है इसका क्या रेंज रहेगा? ये जो मूव कंट्रोलर है ये आपको 7500 के रेंज में मिल जाएगा। जो PS4 कैमरा है ये आपको 5500 के रेंज में मिल जाएगा। और ये जो PS4 का बैक बटन है ये 3500 और चार्जिंग स्टेशन 3500 के रेंज में मिल जाएगा। तो सर ये हो गए पूरे PS4 के ऊपर। आपने कलेक्टेबल एडिशंस भी दिखाया और नॉर्मल PS4 भी हमें दिखाया। तो सर अभी हम लोग देखने वाले हैं एक्सबॉक्स के ऊपर। एक्सबॉक्स में भी आपके पास बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है, तो हमें बताइए कि एक्सबॉक्स में अभी क्या क्या वैरायटीज आपके पास अवेलेबल है। तो एक्सबॉक्स में भी हमारे पास लिमिटेड एडिशन कंसोल्स अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो हमारे पास दो कंसोल्स अवेलेबल है, वो है Xbox One X Gears 5 लिमिटेड एडिशन एंड Xbox One X Cyberpunk 2077 लिमिटेड एडिशन कंसोल। ये जो कंसोल है ये Xbox के 1X कंसोल है। Xbox One X के जो स्पेसिफिकेशंस है वो 4K एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं और इसकी जो स्टोरेज है ये 1TB स्टोरेज है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसोल है जो के माइक्रोसॉफ्ट का फ्लैगशिप मॉडल है, न्यूली लॉन्च कंसोल है, जो के सबसे ज्यादा PS5 के बाद अगर जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है वो है एक्सबॉक्स का सीरीज एक्स कंसोल। इसका जो स्टोरेज है ये भी 1TB स्टोरेज है बट विद द फास्टेस्ट प्रोसेसर। इसमें भी दो वेरिएंट्स अवेलेबल है, ये है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स जिसमें आप डिस्क डाल के भी खेल सकते हो और ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। और एक जो अवेलेबल है वो है एक्सबॉक्स सीरीज एस 512GB SSD। ये जो कंसोल है ये सिर्फ डिजिटल कंसोल है, इसमें आप फिजिकल डिस्क के साथ नहीं खेल सकते हो, आपको गेम ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। ओके, तो सर अभी आते हैं प्राइस रेंज के ऊपर। तो एक्सबॉक्स वन एक्स का क्या रेंज है, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन है? तो इसका क्या रेंज रहेगा? इवेंचुअली ये जो लिमिटेड एडिशन 1X कंसोल है इसका प्राइस स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा सा हाई है और ये हमारे पास आपको मिल जाएगा अराउंड 35,000-40,000 के रेंज में। और ये जो फ्लैगशिप मॉडल है एक्सबॉक्स सीरीज एक्स ये आपको हमारे पास मिल जाएगा 50,000-55,000 के रेंज में। और ये जो सीरीज एस है ये आपको हमारे पास मिल जाएगा 35,000 के रेंज में। ये जो कंसोल्स आप देख रहे हो एक्सबॉक्स के ये हमारे पास इंडियन वारंटी वाले अवेलेबल नहीं है, ये सारे जो कंसोल्स है ये इम्पोर्टेड मॉडल्स है। तो सर जैसे कि आपने बताया हमें कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स है, तो इसमें वारंटी मिलेगा कि नहीं हमें? नहीं, तो ये जो प्रोडक्ट्स है इसमें आपको इंडिया में वारंटी नहीं मिलेगा। ओके, बट ये 100% ऑथेंटिक माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि इंडिया में इसका वारंटी नहीं है कंपनी की तरफ से, बट आप जो इसे शिप कर रहे हो, आप जो इसमें डील कर रहे हो, आपके साइड से कुछ वारंटी मिलेगा प्रोडक्ट्स का? यस, हमारे तरफ से हम सेलर वारंटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे तरफ से प्रोडक्ट का सेलर वारंटी मिलेगा क्योंकि 6 मंथ्स का सेलर वारंटी अवेलेबल होगा। तो अभी आते हैं इसके पेरिफेरल्स के ऊपर। एक्सबॉक्स के पेरिफेरल्स में मैं देख रहा हूँ सर आपके पास कंट्रोलर्स अवेलेबल है, अलग अलग कलर्स के अवेलेबल है, तो इसके बारे में हमें जरा बताइए। हमारे पास एक्सबॉक्स में 3 कंट्रोलर्स अवेलेबल है जो कि स्टैंडर्ड व्हाइट कंट्रोलर है और एक स्पोर्ट रेड कलर अवेलेबल है। ये जो कंट्रोलर है ये सिर्फ कंपेटेबल विथ एक्सबॉक्स 1X और 1S है। साइड में जो ये रेड कैमोफ्लेज जो कंट्रोलर रखा हुआ है ये एक्सबॉक्स सीरीज एक्स
और सीरीज एस कंपेटेबल कंट्रोलर है। ओके, और टॉकिंग अबाउट इसका रेंज क्या आएगा? एक्सबॉक्स के जो कंट्रोलर्स है वो PS4 के कंट्रोलर से थोड़े महंगे आते हैं। इसके जो प्राइजेस है ये अराउंड 5500 से लेके 7000 तक हमारे पास डिफरेंट कलर्स और एडिशन वाले कंट्रोलर्स अवेलेबल है। ओके सर, तो अभी आते हैं निंटेंडो स्विचेस के ऊपर। निंटेंडो स्विच में देख रहा हूँ आपके पास ऑलमोस्ट सारे निंटेंडो स्विचेस के जितने भी वेरियंट्स है वो अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास निंटेंडो स्विच में सारे कंसोल्स अवेलेबल है। जो अभी न्यूली लॉन्च कंसोल है जो कि लास्ट वीक ही लॉन्च हुआ है निंटेंडो ओलेड मॉडल, वो भी हमारे पास स्टॉक में है। आप देख सकते हो कि वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ये सबसे न्यूली लॉन्च निंटेंडो स्विच मॉडल है, ओलेड मॉडल। 7-inch डिस्प्ले है इसका, जो कि आपको एक और एडवांस गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। और इसमें जो है दो कलर्स अवेलेबल है, व्हाइट और ब्लैक, तो हमारे पास ये व्हाइट में अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास निंटेंडो स्विच वर्जन 2, जो कि V2 वर्जन जिसको बोला जाता है, हमारे पास वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो निंटेंडो स्विच वर्जन 2, ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है। उसके बाद जो आप नीचे देख सकते हो हमारे पास ये मारियो एडिशन वाला कंसोल अवेलेबल है निंटेंडो स्विच का, ये भी वर्जन 2 है और ये रेड कलर का स्पेशली मारियो लिमिटेड एडिशन के लिए ये बनाया गया है, इसको मारियो एडिशन कहा जाता है। ओके, और उसके बाद हमारे पास ये लिमिटेड एडिशन में दो और कंसोल्स अवेलेबल है जो कि निंटेंडो स्विच V2 वर्जन है, एनिमल क्रॉसिंग बंडल और निंटेंडो स्विच फोर्टनाइट बंडल, जिसके ऊपर पूरा थीम कंसोल के ऊपर और उसके जो जॉयकॉन्स वगैरह है उसके ऊपर पूरा गेम का थीम दिया हुआ है। तो अभी आते हैं इसके प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि निंटेंडो स्विच जैसे कि सर इंडिया में तो निंटेंडो डील होता नहीं है। yes, इंडिया में ये ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये हम बाहर से इंपोर्ट करके मंगाते हैं। और इसके जो प्राइसेस है ये डिपेंड करते हैं, अगर ये स्टैंडर्ड एडिशन है तो आपको 29,500 से लेके 35,000 40,000 तक के रेंज में हमारे पास अवेलेबल है। और अगर हम लोग लिमिटेड एडिशन के बारे में बात करें तो लिमिटेड एडिशन का क्या रेंज रहेगा? लिमिटेड एडिशन जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एनिमल क्रॉसिंग और फोर्टनाइट बंडल जो है ये आपको हमारे पास 35,000 के रेंज में मिल जाएगा। और अभी आते हैं जो ओलेड मॉडल है, ओलेड मॉडल का एक क्या रेंज रहेगा, क्योंकि लेटेस्ट लॉन्च है तो इसका रेंज कंसोल है और ये जो है हमारे पास ये अराउंड 37,000 में अवेलेबल है। तो सर ये है निंटेंडो लाइट, हम लोग निंटेंडो लाइट देख रहे हैं अभी के टाइम पे, तो निंटेंडो लाइट और निंटेंडो स्विच में क्या मेनली डिफरेंस है? जैसे कि निंटेंडो स्विच के दो टाइप्स के कंसोल्स अवेलेबल है, एक है जो निंटेंडो स्विच जो हमने अभी लास्ट आपको दिखाया, उसके बाद ये आता है निंटेंडो लाइट। निंटेंडो लाइट इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि एक पोर्टेबल कंसोल है और इसको आप इजीली कहां पे भी कैरी कर सकते हो और कहां पे भी आप गेमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हो। और सर ये रिंग फिट एडवेंचर ये क्या है? ये बेसिकली एक एक्सेसरी है निंटेंडो स्विच की। ये जो रिंग फिट एडवेंचर है ये गेम का नाम है निंटेंडो के, उसके साथ में जो है वो रिंग दिया गया है जिससे आप मोशन गेमिंग एक्सपीरियंस निंटेंडो स्विच में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो सर अभी आते हैं प्राइजेस के ऊपर, तो निंटेंडो लाइट का क्या प्राइस रहेगा? निंटेंडो लाइट बेसिकली निंटेंडो स्विच से काफी सस्ते में मिल जाता है। ये जो है निंटेंडो स्विच लाइट ये अराउंड 15,000 to 17,000 के रेंज में अवेलेबल है। तो सर अभी आते हैं निंटेंडो स्विच के एक्सेसरीज के ऊपर, हम लोग देख रहे हैं आपके पास निंटेंडो स्विच के कंट्रोलर्स है और जॉयकॉन्स भी अवेलेबल है। yes. तो क्या रेंज है सर ये कंट्रोलर्स और जॉयकॉन्स के? निंटेंडो स्विच के जो कंट्रोलर्स है ये प्रो कंट्रोलर है, ये स्टैंडर्ड एडिशन है और ये हमारे पास 5,500 से लेके 6,000 के रेंज में अवेलेबल है। और जैसे कि आप जॉयकॉन्स देख रहे हो पीछे, जॉयकॉन्स में काफी कलर्स और वैरायटीज अवेलेबल होती है। हमारे पास ये फिलहाल अभी 4 कलर्स अवेलेबल है, ये चारों के प्राइसेस अलग अलग है, इट डिपेंड्स ऑन द कलर्स। और हमारे पास ये जो जॉयकॉन्स है ये 5,500 से लेके 7,000 तक अवेलेबल है। तो सर अभी आते हैं इसकी वारंटीज के ऊपर, कैसा ये निंटेंडो स्विच तो इंडियन प्रोडक्ट नहीं है, तो इसके वारंटी आप कैसे प्रोवाइड करते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि निंटेंडो स्विच ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये एक US कंपनी का कंसोल है, तो इसकी वारंटी इंडिया में अवेलेबल नहीं होती है। बट जैसे कि ये जो निंटेंडो के ओरिजिनल जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें मोस्टली कोई इश्यूज जल्दी आते नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स कोई एरर्स आते नहीं है। बट फिर भी हम हमारे तरफ से हर बायर को हम निंटेंडो का 3 months का सेलर वारंटी हमारे तरफ से प्रोवाइड करते हैं। और सर टॉकिंग अबाउट शिपिंग, आप शिपिंग कहाँ कहाँ करते हो? सर हम ऑल ओवर इंडिया शिपिंग करते हैं और हमारे पास बेस्ट कुरियर सर्विसेज अवेलेबल है। हम मोस्टली FedEx, ब्लू डार्ट जैसे कुरियर्स यूज करते हैं और हम पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो गाइस ये था ये पूरा वीडियो अबाउट निंटेंडो स्विचेस, PS5, Xbox और ये सारे मैंने कवर कर दिए।
सो सर थैंक यू सो मच सर आपने हमें बताने के लिए पूरे गेमिंग कंसोल्स के ऊपर। तो गाइस ये था पूरा वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सर का जो नंबर है, सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। और जो टाइमिंग्स है सर के, सुबह 10 से लेके 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हो सर को, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल विशेस कम टू गाइस।